जब आप एनडीआरएफ में आए होंगे, बहुत से तमाम चीजें आपने देखी, कुछ ऐसा ट्रिगर किया आपको कि यार इसको बदलने की जरूरत है? सर, कोई स्ट्रगल फेस किया आपने एनडीआरएफ तक पहुंचने के लिए, चाहे वो एग्जाम हो या पढ़ाई को लेकर हो, या पीयर प्रेशर एक रहता है अक्सर दिमाग में रहता है कि उस जमाने में या अभी भी लोग कहते हैं सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, तो क्या कभी ये प्रेशर रहा? कुछ दिन पहले ही काशी विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट सामने एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गया था और हम लोगों ने 7 जिंदा लोगों को डेब्रिस में से निकाला था। क्या करना पड़ता अगर ऐसे एग्जाम में जो बच्चे आना था, एक परसेंटेज की बड़ी बैरियर है, लोग कहते हैं 80 लेकर आओ, 70 लेकर आओ। मेहनत करिए, नशे से नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो एसएसबी और एनडीआरएफ में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका भविष्य ब्राइट हो और साथ ही साथ वो आगे चलकर देश का नाम भी रोशन करें। आज ही हमारे साथ एक एनडीआरएफ के ऑफिसर मौजूद है, नाम है नवीन शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हैं, गोवा में पढ़े बड़े हैं, पढ़ाई वहां से करी, और सबसे खास बात इनके बारे में ये है कि ये एक इंजीनियर रह चुके हैं। आप सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग से एसएसपी और फिर एनडीआरएफ, और इस वक्त वो राजधानी लखनऊ में तैनात है। चलिए सीधे जुड़ते हैं नवीन जी से और जानते हैं कि आखिर उनका ये सफर कैसा रहा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने गोवा में पढ़ाई करी, उसके बाद बैंगलोर में जॉब करी और फिर एसएसबी और एनडीआरएफ, क्यों? मैंने 7th तक गांव में पढ़ाई किया, गाजीपुर में, देन आई मूव टू गोवा, वहां से मैंने स्कूलिंग और कॉलेज किया। मेरे फादर आर्मी में थे और आर्मी मेरा रहा कि आपको जो अपॉर्चुनिटी तो 12th के बाद बहुत सकती है, बट मैंने मेरा झुकाव फोर्स की तरफ था, यूनिफॉर्म की तरफ। मैंने एनडीए दिया, एनडीए पीएस किया था, somehow I couldn't clear the army SSB interview. So then after मैंने इंजीनियरिंग परसू किया और इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर मैंने बेंगलोर में जॉब किया, बट एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कोर्स यूनिफॉर्म, वो चार्म बचपन से था और कहीं ना कहीं मैं सोशलाइज करने में बिलीव करता था, खुला हुआ आदमी था, लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, टीम में काम करने का मुझे वो एक अट्रैक्शन था, और मुझे जैसे ही मौका मिला मैं सर्विस में आया और अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग काम लोगों के साथ मिलकर काम। सर, जब आप एनडीआरएफ में आए होंगे, बहुत से तमाम चीजें आपने देखी, कुछ ऐसा ट्रिगर किया आपको कि यार इसको बदलने की जरूरत है? एज अ ऑफिसर नहीं, पर अंदर से एक आवाज आती है ना, यार ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, कभी ऐसा लगा कुछ ट्रिगर किया समाज की, जो आपने वातावरण देखा, क्योंकि एनडीआरएफ अक्सर प्रिवेंशन करती है, लोगों को बचाती है, मौकों पर पहुंचती, कुछ ऐसी भावना या ऐसी चीज जो ट्रिगर करी हो? देखिए, हमारे जो समाज है, हमारा जो गाँव का समाज था, बहुत क्लोज नेट समाज था, एक दूसरे को हेल्प करता था, जो समाज में अलग अलग स्किल के लोग रहते थे, अभी भी एक्चुअली उस वजह से जैसे पलायन होने लगा, लोगों की इंटरडिपेंडेंसी थोड़ी कम हुई, सारे लोगों की, और हमारी समाज की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कमजोर हुई है, अदरवाइज एक हमारा गांव होता था, शहर होता था, सबके पास कैपेबिलिटी होता था। अगर डिजास्टर पे एंगल में बात करें तो जिसे हम लोग अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कराते हैं, लोगों को पहले क्या होता था कि अलग अलग स्किल्स होते थे, लोग जानते थे कि पर्टिकुलर स्किल्स का आदमी की जरूरत ये है, ये काट लकड़ी काट सकते हैं, ये लोहे काट सकते हैं, ये पानी में जा सकते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा स्किल डेवलपमेंट की कमी है। कई जगह स्कूल्स में, कॉलेज में अच्छे स्कूल्स खुले हुए हैं, बच्चों को पढ़ाई के साथ अलग अलग स्किल्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी स्किल्स बता सकता हूँ, स्विमिंग हो गया, लोगों को आना चाहिए, फैसिलिटीएम आना चाहिए, अगर जिसे समाज में अगर स्किलफुल लोग रहेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग रहेगी, तो समाज स्वावलंबी रहता है और कोई भी विपत्ति आती है उससे डील कर लेते हैं। सर, कोई स्ट्रगल फेस किया आपने एनडीआरएफ तक पहुंचने के लिए, चाहे वो एग्जाम्स हो या वो पढ़ाई को लेकर हो, या पीयर प्रेशर एक रहता है अक्सर दिमाग में रहता है कि उस जमाने में या अभी भी लोग कहते हैं सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, तो क्या कभी ये प्रेशर रहा या अंदर से ही रहा कि इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इंजीनियरिंग हमेशा से पैशन रहा, आज भी क्या वो पैशन है, जिंदा है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने सॉफ्टवेयर में 2 साल बेंगलोर में जॉब किया, अपने जॉब से खुश था, जैसे बताया बचपन से मुझे वो मतलब मुझे तो यूनिफॉर्म से चाम था, और वो यूनिफॉर्म ये होता है यू हैव समथिंग टू बी इन इट, तो ट्राई कर रहा था मैं, और मैंने यूपीएससी सीपीएफ एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम लेती हर साल, 2011 बैच मैंने एग्जाम दिया था, और फाइनली मैंने 2013 के लास्ट में ज्वाइन किया था। तो मैं सशस्त्र सीमा बल का ऑफिसर हूँ, और मैंने अलग अलग जगह पे नेपाल बॉर्डर पे काम किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में काम किया, और इसके बाद लखनऊ में मैं, और मुझे फिर डेपुटेशन पे एनडीआरएफ में आया, और एनडीआरएफ लोगों को बचाता है, लोगों को स्वावलंबी बनाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, और डिजास्टर के समय में एंजल की तरह काम करता है,
तो हमारे समाज के ही लोग हैं जो खुद एक दूसरे को बचा रहे हैं और किसी की जान माल बचाना एक बहुत अच्छा कार्य है, इसलिए मुझे एक अट्रैक्शन लगा। इसलिए अभी फिलहाल सशस्त्र सीमा बल से समय के लिए एनडीआरएफ में आए। एनडीअरएफ में आना एक चैलेंज से बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। सर क्या करना पड़ता है अगर ऐसे एग्जाम्स में जो बच्चे आना चाहते हैं, परसेंटेज की बड़ी बैरियर है, लोग कहते हैं 80 लेकर आओ 70 लेकर आओ, या कुछ क्या जरूरी है कि इसमें आने के लिए साइंस स्ट्रीम कंपलसरी होता है, या जो सपोज करें किसी को नहीं पता, कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता इसमें कैसे ऑप्ट करें, तो उनके लिए क्या है, वो क्या करे कि वो आप की तरह बन सके। जैसे मैंने बताया मैं इस कोर्स में नहीं करने के बाद इस कोर्स में आया, पहले जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट में। इस कोर्स में एक एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम लेती है, प्रतिवर्ष लेती है, उसका नाम यूपीएससी सीपीएफ होता है। उसमें दो पेपर्स होते हैं, एक जनरल अवेयरनेस का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जिसमें ऐसे जैसे राइटिंग बाकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है। तो जनरल अवेयरनेस के पेपर्स में तो आपको सब कुछ पूछता है, जनरल अवेयरनेस पूछा है, करंट अफेयर्स हिस्ट्री जियोग्राफी सब कुछ। इसमें कोई भी बार नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट जो भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या कर चुका है अप्लाई कर सकता है, इसके लिए तैयारी कभी भी किया जा सकता है, कोई परसेंटेज कोई बार नहीं है। जो अच्छे परसेंटेज लाते हैं उनके लिए बिल्कुल बधाई है, अच्छा पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, उसके परसेंटेज उनके मार्क्स में दिख रहा है। बट जिनके नहीं आए हैं उनको भी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप गोल अपना गोल सेट करिए, तैयारी कर सकते हैं गोल ओरिएंटेड होके, क्या पढ़ना है सिलेबस देख देख के और पेपर पास कर सकते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, एक चीज बताया जनरल अवेयरनेस, दूसरा डिस्क्रिप्टिव। इसके फिर रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट होने के बाद फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद मेडिकल होता है और लास्ट में एक यूपीएससी इंटरव्यू होता है, दिल्ली यूपीएससी बोर्ड में इंटरव्यू होता है, बोर्ड लेता है और उसके बाद टोटल जो मेरिट बनती है रिटेन का और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के किया जाता है। और उसके बाद इंटरव्यू से पहले ऑप्शन दिया जाए मांगा होता है कि क्या किस कोर्स में जाना चाहते हैं चौथी गाइड, इसमें दे सकते हैं आप एस एस बी सी आई एस एफ बी एस एफ आई टी यू पी सी आर लोग पाँच आपके पास चॉइसेज होते हैं मेरिट में, उसके बाद मेरिट वाइज आपको फोर्स मिलता है। सर लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि जो सिविलियंस होते हैं जैसे हम लोग और एक आर्मी बैकग्राउंड पर जिनके पेरेंट्स आर्मी में, तो उनका चांप से आपने बोला बड़ा पैशन होता है क्योंकि वो शुरू से अपने पेरेंट्स को देते हैं। सिविलियंस जो होते हैं कहीं ना कहीं डरते हैं, शहर की मैं बात करूं, लेकिन जो लोग जो बच्चे गांव से आते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास के गांव से आते हैं उनका बड़ा क्रेज रहता है, क्यों आज भी जो शहर में रहने वाला युवा है वो उनको नॉलेज नहीं है या वो भ्रमित? मैं तो नहीं बोल सकते हैं, देखिए जिसमें बच्चे हैं और यंग जनरेशन है, 21st जनरेशन है, क्लिक ऑफ माउस एवरीथिंग इज अवेलेबल टू देम, अच्छी बात है। कोरोना पेंडेमिक में जो ऑनलाइन चीज शुरू हुआ था तो हमारे गांव के बच्चे भी हैं वो बहुत कुछ मोबाइल में देख सकते हैं, उनको अवेयरनेस है, अभी किसी कोई भी चीज किसी से छिपा नहीं है और ये क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। जो रिसोर्सेज हैं कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं, शहर के बच्चे तक गांव के बच्चे तक है, अभी तो मैं तो यही चाहूंगा सभी यूथ को सब नॉलेज होना चाहिए और अपने रुचि के अनुसार या जब वो उसके रुचि है या कैपेबिलिटी है कैपेसिटी है इंटरेस्ट है उसके अनुसार डिसीजन ले। सब कोई भी जॉब हो, यूनिफॉर्म हो, बाहर हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी जॉब जिसमें अच्छा कर सकते हैं उसमें इन्फॉर्म डिसीजन ले। और फर्ज की बात है कि गाँव के बच्चे, मैं तो खुद भी मैं नेटिव प्लेस गाजीपुर में है, मैं देखता हूँ गाँव घर में जो भी बच्चे हैं सभी को मालूम है, बस मेहनत करने की जरूरत है, गोल सेट करने की जरूरत है और टाइम से बच्चे स्कूल में हैं वो खुद ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो ही कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपना गोल सेट कर सकते हैं उनको क्या चाहिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के बाद मेहनत करें तो सक्सेस मिलेगी। आपने बहुत बड़ी बात बोली टाइम मैनेजमेंट, आप आज का युवा ठीक है वो टाइम मैनेजमेंट जाता है लेकिन फिर भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज को आपने कैसे मैनेज किया, आपकी हॉबीज सबको पढ़ने का बहुत शौक है तो कैसे आप वो टाइम आज भी निकालते हैं क्योंकि इतना 24 आवर आपकी जॉब है, शायद फुर्सत नहीं मिलती उस जॉब को आप करके अपनी हॉबीज को फॉलो, आप स्पोर्ट्स में भी इस वक्त है तो कैसे इन सारी चीजों का तालमेल बिठाया है? आपने बताया कि स्पोर्ट्स, मैं स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स में था, एथलेटिक्स में था, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ था तो मैंने नेशनल्स के लिए और स्पोर्ट्स में के प्रति थोड़ा सा मेरा एक लगाव है। स्पोर्ट्स में आने के बाद भी मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था यहाँ पर और स्पोर्ट्स से केवल स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं होना होता है, स्पोर्ट्स आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, आप एक दूसरे से समझ में कोऑपरेशन सीखते हैं, लीडरशिप स्किल सीखते हैं, टीम को लीड करने सीखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने के बाद फेलियर को एक्सेप्ट करने सीखते हैं, तो स्पोर्ट्स आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है। और मैं कभी भी मेरे यूथ जैसे इंटरेक्शन होता है तो मैं स्पोर्ट्स की तरफ उनको एक रुचि लाने की कोशिश करता हूँ, स्पोर्ट्स में रहने से फिजिकल मेंटल वेलबींग होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और आपको जो फ्यूचर में किसी भी प्रोफेशन में रहना आपको हेल्प करता है, बहुत कुछ सिखाता है आपको,
बचपन की मतलब ऐसी कोई याद जो आपको आज भी जब आप अकेले बैठे होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको ड्यूटी पर जाना होता है, स्टेट चेंज होता है, लोकेशन, तो ऐसी कोई मेमोरी जो आज भी आपको याद आती है, आपको स्माइल आती है और आपकी डॉटर भी है, तो जो मोमेंट्स हैं जो जैसे वो डिस्टेंस की वजह से ज्यादा मिलना नहीं होता बिकॉज ऑफ पोस्टिंग, तो सारी चीजें याद आती है, लगता है कि हाँ अगर ये बेटी को देख लिया तो भाई कुछ भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी, या ये मेमोरी अगर याद आ गई तो मेमोरीज फिर से तरोताजा हो जाएंगे और जो जो भी दिमाग में चल रहा है थोड़ा सा ड्यूटी से रिलैक्स। जैसे बताया मैंने गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मेरे फादर आर्मी में थे, बचपन की मेरी यादें अच्छी है, अलग अलग जगह घूमने की, बच्चों को मैं यही सलाह देता हूँ जहाँ मौका मिले पेरेंट्स को भी सुविधा अनुसार तो उनके अच्छी यादें हैं घुमाए अच्छी जगह ले जाए। जैसे मैं बचपन में उत्तराखंड गया था, पहाड़ों को देखा था, इंदौर गया वहाँ देखा, अलग अलग कल्चर देखा, अलग अलग संस्कृति देखा, अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। आप रियलाइज करते हैं कि हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है, सोसाइटी कैसा है, दूसरी जगह कैसा है, इतना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना सीखेंगे और बच्चों को अलग अलग जगह पे इंटरेक्शन से लोगों से मिलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका कोई बेस्ट एक्सपीरियंस जो आज अभी तक के करियर में जो आपको लगता है कि हाँ इसने मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाया, चाहे वो पर्सनल आया, वो प्रोफेशनल आया, किसी भी चीज को डील कर, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, आपका पर्सनल हो, या दोस्तों के साथ हो, या आपने जब एनडीआरएफ में है लिया, कोई ऐसा जब रेस्क्यू किया हो तब? कुछ दिन पहले ही हमने इंडियारेस्ट में जैसे हमारे टीमें अलर्ट की रहती हैं कोई भी डिजास्टर होने पे हम लोग रेस्ट करते हैं वहाँ पे। ऐसे कुछ दिन पहले ही काशी विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट सामने एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गया था, जैसे हमें खबर मिली शॉर्ट टाइम हमने टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और हम लोगों ने 7 जिंदा लोगों को डेब्रिस में से निकाला था। वेरी टफ ऑपरेशन, मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और पूरी स्किल्स और टेक्निक को दिखाते हुए 7 लोगों को जिंदा बचाया। और जो गोल्डन उसमें डिजास्टर में क्या होता है, गोल्डन टाइम होता है, समय बचा लिया तो जिंदगी बच सकती है, थोड़ा डिले होने से फिर हमें निराशा हाथ लगती है। उसमें गोल्डन पीरियड में बिल्कुल करके कम समय में बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था और 7 लोगों को हमने हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट भेजा था और बाई गॉड ग्रेस लाइफ हमें बहुत संतुष्टि मिला, हमने कम समय में 7 जिंदगियाँ बचा ली। और रेस्क्यूअर्स में काम करते एनडीआरएफ में काम करते हुए हमें लगा कि जान बचाने से हमने खुद के लिए अच्छा काम किया है, हमें अलमाइटी है भगवान है जिसने जिंदगी बचाया, हम लोगों ने हमारी टीम ने अच्छा काम किया, वो उसमें यादगार सुनहरा मौका। आपने बहुत लोगों की जान बचाई, कोई ऐसा मोमेंट जिस आपने किसी की जान बचाई, कोई रेस्क्यूअर है जब वो आपके पास आया, उसने हाथ जोड़ा, वो आपको बोला वो कि बेटा तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, या बच्चा हो महिला हो, कोई ऐसा मोमेंट हार्ट टचिंग जिसने बोला हो कि भैया आपकी वजह से मेरा बच्चा बच गया या मेरी वाइफ बच गई या मैं खुद बच गया? सेम ऑपरेशन जिसे बताया बनारस में बिल्डिंग कोलैप्स था, उसमें जो घर का मालिक था उसको हमने सरफेस में ऊपर से बचा लिया था, बिल्डिंग 3 स्टोरी थी ऊपर ही वो आदमी फंसा हुआ था, उसको हमने स्टेयर से लगा के बचाया था, सरफेस व्यक्ति था, अब वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर था, वहाँ एक पैर रखने पे कहीं घुस कर एड्रेस पूरा नीचे गिर जाती, वो घर का मालिक डिस्ट्रेस था, ट्रोमा में था, उतर नहीं रहा था और बार बार हमने उसको रिक्वेस्ट भी किया, थोड़ा सा कभी समझाया फिर भी उतर नहीं रहा था, हमारे और रेस्क्यूअर्स ने समझाया उसको, तब उसकी पूरी फैमिली 7-8 लोग फंसे हुए थे, उसको ट्रॉमा में था, कुछ भी बोल रहा था, मैं उसके पास ऊपर गया, मैंने अपने आप को थोड़ा स्टेबल करके उससे बात किया, उससे मैंने बताया कि आप नीचे उतर गए, मैं आपको फैमिली को बचा बुला, उनकी वाइफ की कहीं से जल्दी सवाल भी आ रहे थे, हम रिपेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि क्या बचा लेंगे, मैंने उनको प्रॉमिस किया कि आप नीचे जाइए, मेरी मैं प्रॉमिस हूँ, मैंने हमारी टीम है बहुत स्किलफुल है बचा के लाएगी, और तब जाके वो नीचे कन्विंस होकर नीचे गए और मेरे सर पे हाथ रख के गया कि आप बचा के लाएंगे, मैं नीचे नीचे उतरा तो उन्होंने मतलब मेरी आंखों में देख के देखा कि पानी था, मैं उनको बोला कि नहीं आपकी वाइफ सेफ है, हमने हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर दिया है एंड शी विल बी फाइन एंड रिटर्न टू योर होम। सर लड़कियां बड़ी ज्यादा इन फोर्सेस में आना चाहती हैं, तो लड़कियों के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो अपने आप को किस तरीके से इन सब चैलेंजेस से मेंटेन करके आगे हैं और अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी फैमिलीज लड़कियों को इन सब प्रोफाइल्स पे जाने से मना करती हैं, तो लड़कियां अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि मेल पूरी पर्सनालिटी और फीमेल पर्सनालिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। हमारी फोर्सेज में महिलाएं बहुत आ गई हैं, मेरे बैचमेट्स में भी महिलाएं हैं और अभी हर रैंक्स में ऑफिसर्स में और नीचे अदर रैंक्स में भी महिलाएं आ गई हैं, वैसे पहले कम थी, जैसे सोसाइटी में और चेंजेस आ रहे हैं, फोर्सेज में भी आ गई हैं, महिला फ्रेंडली फोर्सेज भी बन गई हैं,
महिलाओं के लिए की जो जरूरतें होती हैं फोर्सेज में है, और अभी कोई ऐसा नहीं, कोई भी मतलब रुकावट फोर्सेज में नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। जो महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं, आपने के पहले में भी देखा होगा महिलाओं ने कंटिजेंट ने लीड किया था, जो एसएसबी की कंटिजेंट से महिला ऑफिसर्स ने लीड किया था। महिलाओं का प्रोडक्ट देख सकते हैं, इंडिया में रेस्टोरेंट महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कोई बाधा नहीं है, महिलाओं किसी में किसी कमी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई किसी भी एग्जाम के थ्रू आ सकती हैं, हर लेवल में आ सकती हैं। बाकी जैसे संजय सोसाइटी में हो रही है, फोर्सेज में भी है, और फोर्सेज में कोई भी रुकावट नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सर आज का युग थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी है सोशल मीडिया को लेकर, बनना इंसान के जो ख्वाब है वो बहुत बड़े बड़े हैं कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे पीछे खींचते हैं, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन की कमी है, या जो आसपास का पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का वो उन पर इम्पैक्ट, उससे कैसे डील किया जाए? हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सोशल मीडिया को हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं, बहुत फायदे हैं, एक मोबाइल हाथ में मोबाइल है और दुनिया आपके एक क्लिक पे है, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, नॉलेज की कोई कमी नहीं, आप गांव में बैठ के सब कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज बताया गया, सब बच्चे के पास स्कूल का बच्चा है, गांव में बैठा है, सब कुछ रिसोर्सेज उसके मोबाइल में है, अब उसको कैसे यूज करना है, अब प्रोज कौन सब कुछ है, बट एनर्जी इन ब्राइट वे देखना है कि गोल क्या है उसका, वो मैनेज अपने आप को कितना करता है, कितना मेहनत करता है, क्या चाहिए, तो बच्चों के लिए एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उसका अच्छा यूज करना चाहिए, वो तो पेरेंट्स को भी थोड़ा डील करना पड़ेगा। बचपन से एक बोला हैबिट होती है, तो हम करते करते सीखते हैं। मेरी 4 साल की बच्ची है, मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल में गेम उसके सामने ना खेलो, बहुत ज्यादा मोबाइल में अगर चैटिंग उसके सामने अवॉइड करता हूँ, अगर बहुत कंपलसरी है तो अदरवाइज ठीक है, बाकी उसको स्क्रीन टाइम तो देना पड़ता है, स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकती, बहुत मिनिमम रखता हूँ, कोशिश करता हूँ क्रिकेट खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, फिजिकल एक्टिविटी में रखता हूँ, बाकी ऑनलाइन रिसोर्सेज उसके छोटे बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे हैं, वो एक्सपोजर देते हैं, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मोबाइल इंड्यूस्ड जो एडिक्शन है वो तो आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, मोबाइल इंड्यूस्ड ऑटिज्म हो रहा है बच्चों को, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट भी अलग अलग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ला रहे हैं, सोसाइटी को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, खासकर इसमें पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना है, बस बचपन बच्चे हैं तो उनका स्क्रीन टाइम मोबाइल देखना छोड़े, कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रखें, जब एनर्जी को चैनलाइज करेंगे फिर बच्चों की हैबिट पड़ जाएगी, छोटे बच्चे हैं उनको खेल से रुचि हो जाएगी, लोगों से मिलने की रुचि हो जाएगी, मोबाइल लेटर स्टेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे केवल उसकी जो फायदेमंद चीजें हैं वो ले सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, फैमिली को, किसी भी शख्स? यूथ के लिए मैसेज है कि आप मेहनत करिए, मैसेज खासकर नारकोटिक्स कोई भी है, आपकी आप सोसाइटी में है, आपको आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपकी फैमिली खराब कर देगा, सोसाइटी खराब कर देगा। पेरेंट्स के लिए भी यही है, अपने बच्चों पे कोशिश करिए कि उनको नारकोटिक्स से दूर रखिए, जो भी अलग अलग नारकोटिक्स हमारे देश को खोखला कर देंगे, जो हमारी मुझे भी लगता है कि देश का जो यूथ अगर खराब हो गया, उनमें प्रॉब्लम आ गई तो हमारे देश कमजोर हो जाएगा, तो नारकोटिक्स से बिल्कुल बच्चों को दूर रहने की जरूरत है, बच्चों को अपने पेरेंट्स को ध्यान देना है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना अच्छी चीजों में, तो मेरा तो यही है कोई भी एडिक्शन है ड्रग यूज नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया, इतने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ मिस्टर नवीन शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, डेस्टिनी अपनी जगह है, जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आप आगे ग्रो करेंगे, और साथ ही साथ जो आज का युवा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटका है उसको कंसंट्रेट करना भी बहुत जरूरी है, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, अगले एपिसोड में फिर हम आपको ऐसी ही खास वक्त मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।